विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े हुए देश के मतदाता, आप सबको सबसे पहले अभिनंदन, नमस्कार। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। एज यू सी आवर टीम इज नाउ कंप्लीट, ऑल थ्री ऑफ अस आर हियर एंड वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। सो नाउ आवर रिक्वेस्ट इज टू ऑल द वोटर्स टू गेट इंक्ड। प्लीज द एंटायर टीम इन द ईसीआई इज रेडी to ink the voters, please join us. I think this is the most awaited press conference in this part of the year. We address you at a precious moment when we as a nation are set to reiterate our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again. This is a historic opportunity for all of us. By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies. 2024 is a year of elections across the world. Over 5 dozen nations and people will vote across the hemispheres, across the datelines. However, India's elections have been like a pole star, both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail in this conference. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है, जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। लेट मी से इन द वेरी बिगनिंग दैट इट इज आवर प्रॉमिस टू डिलीवर ए नेशनल इलेक्शन इन ए मैनर दैट वी एड to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। वी इन द कमीशन अंडरस्टैंड विद ऑल ह्यूमिलिटी एट आर कमांड दैट एवरी इलेक्शन इज ए न्यू टेस्ट एंड फेल्योर इज नॉट एन ऑप्शन। द एंटायर इलेक्शन मशीनरी हैज बीन ट्रेन्ड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट। आई हैड माइसेल्फ पर्सनली इंटरेक्टेड विद ओवर 800 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। वी हैव इंटरेक्टेड विद द एसपीज, डीएम्स, कमिश्नर्स, रेंज आईजीज, पॉलिटिकल पार्टीज, एनफोर्समेंट एजेंसीज इन दिल्ली एंड ऑल्सो वाइल विजिटिंग द स्टेट्स। और पूरी स्टेट्स में इन सबके साथ समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें यह विश्वास है कि हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे। बिफोर आई शेयर द शेड्यूल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 ईयर्स पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस। वी हैव 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स, मोर देन द कंबाइंड वोटर्स ऑफ अ फ्यू कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑल मेनी पुट टुगेदर। Over 10.5 lakh polling stations, and कितने लोग उसको conduct करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles, और अब तक हम क्या कर चुके हैं? 17 general elections to the parliament. 400 से ज्यादा assembly elections कर चुके हैं। ये election commission का एक legacy है। 16 presidential elections, 16 vice presidential elections, a truly gold standard. It's a gold standard in the entire election management. Friends,
There is a qualitative leapfrog which Commission is ensuring, which would be shown by the outcomes of the 11 state elections which we have held recently. पिछले एक सवा साल के अंदर में 11 elections state assemblies के देश में हुए हैं, और आज जो हम नए 2024 में जा रहे हैं तो इस दृढ़ता के साथ जा रहे हैं कि जो उनके आउटकम्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं. पहले वो पीसफुल हुए, वायलेंस फ्री हुए. जो इसमें से एक दो स्टेट में वायलेंस होती थी वहां भी वायलेंस नहीं हुई. नियर जीरो रूपोल्स. और कैंपेनिंग जो क्लटर है, जो नॉइज है जो कैंपेन के दौरान होती है पॉलिटिकल पार्टी से, कि उसमें भी घटित देखने को मिली. कोर्ट केसेस रिड्यूस हुए. कोर्ट की टिप्पणियां जो अनावश्यक या हमारे ऊपर में होती थी वो कम हुई. सीजर्स बढ़े. और फेक न्यूज पर एक एक्शन लेने का जो तरीका था वो बहुत बड़ा. तो लास्ट टू इयर्स में इसको और रोबस्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया है ये हम आपको आज दिखाएंगे, और उसको कैसे बेहतर करेंगे ये भी दिखाएंगे. हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इस इलेक्शन को किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं, ये भी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाएंगे. अभी जो इलेक्टोरल साइकिल है उसमें हमने कितनी तैयारी की है ये हम आपको आज शेड्यूल बताने से पहले बताना चाहते हैं. अगर देखा जाए तो इनपुट के रूप में हमारा जो इलेक्टोरल रोल है वो प्योर होना चाहिए. ये फाउंडेशन है किसी भी अच्छे चुनाव के लिए. उसमें जिसको होना चाहिए वोटिंग में वो है, और जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं है. हमने इलेक्टोरल रोल में बहुत मेहनत की है. इनपुट के तौर में मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीज़ें लगती हैं. प्रोसेस के रूप में जो डिसरप्टिव चैलेंजेस हैं, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, MCC वॉयलेशन, और रीचिंग आउट टू द मिसिंग वोटर्स, अर्बन अपैथी, यूथ अपैथी, और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें रीचिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज इन दिस वाइट कंट्री, एंड व्हाट आउटकम्स वी वांट, दैट इज व्हाट इज वी विल टेल यू लिटिल लेटर आल्सो. तो पहला जो इनपुट है ये एक मोजेइक है जो देश की वोटर्स की, इलेक्टर्स की पिक्चर है. क्या दिखाती है ये? इट्स अ वेरी डाइवर्स मोजेक. 96.8 करोड़ आर द टोटल इलेक्टर्स इन द कंट्री, ऑफ विच 49.7 करोड़ आर मेल एंड 47.1 करोड़ आर फीमेल. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं. और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं. 1,80,00,000 18 से 19, और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव अ लार्जर टाइम टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी. अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए देर आर 88.4 लाख पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हु आर पार्ट ऑफ आर वोटर लिस्ट. वी हैव मेड ए स्पेशल एफर्ट कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने इलेक्टोरल रोल में लेके आए. 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं, और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं. वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस. और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टोरल रोल में. सो द मोजेइक इज, ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000. तो मोजेइक इज लाइक 18 से 19, 20 से 28, 85 ट्रांसजेंडर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एंड इन द एंटायर कंट्री, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. इस रिग्रेस जो प्रोसीजर है इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये इस मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि हर स्टेज पे इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन करते समय पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि कोई हमसे ये ना प्रश्न कहे कि आपने अपने से इलेक्टोरल रोल बनाया और हमें बताया भी नहीं. सो व्हेन द इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन स्टार्ट्स, वी मेक ए ड्राफ्ट पब्लिकेशन. वी गिव 2 कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज. उसके बाद जितने फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, नया नाम जुड़ने के, डिलीशन के, मॉडिफिकेशन के, मेरा नाम बदल है, घर पद घर बदल गया,
वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं, उसके मिनट्स बनाते हैं। और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे BLOs के साथ लगाना चाहें तो लगाएं, और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वी आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट साइलेंटली वी वर वर्किंग। सब ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1-2-3 मीटिंग्स की हैं, उनको सारे ड्राफ्ट रोल्स दिखाए हैं, दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एंड वी आर कॉन्शियस दैट ए वेरी सॉलिड इलेक्टोरल रोल इज द फाउंडेशन स्टोन ऑन एनी इलेक्शन एंड वी आर रेडी टू गो विथ दिस। वी हैव ऑल्सो वर्कड ऑन द वुमेन वोटर्स। वुमेन वोटर्स का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, विच इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग इन आर इलेक्ट्रल साइकिल। राज्य देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आर इलेक्शन। और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनदर एरिया विच द कमीशन इज वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन। 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट that out of 13.4 lakh advance applications which have come to us, around 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of April 2024. और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे। यानी it the role would be as much updated on 1st of April कि कोई भी छूटे नहीं। National icons को बड़ी संख्या में हमने youth को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे। और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से कि वो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी यह भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें। कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, और शेड भी होगा, सफिशियंट लाइट भी होगी। यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस, और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेट अप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन अपने पर्सनल को लेके जाएगा। एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वी आर श्योर दैट वी वुड मेक इट ए वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर आर वोटर्स। एंड देन द वोटर्स डिलाइट, पोलिंग स्टेशन इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिले। देन हाउ वुड वी एंश्योर दैट इट इज ऑल्सो इंक्लूसिव, इंक्लूसिव इन द सेंस 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे।
देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुँचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे, सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आएं। फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द सस्टेनेबल इलेक्शंस एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इलेक्शंस हों, इसके लिए भी हमने डायरेक्शंस अपने इलेक्शन मशीनरी को दी है। वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए। आप उसको कलेक्ट करें, डिस्पोजल करें और टीम्स के साथ में सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल थिंग। इट्स पार्ट ऑफ द मटेरियल अरेंजमेंट। मिनिमल यूज पेपर का करें, मैक्सिमम हमारी ई बुक्स लागू हैं, आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर ई बुक है। मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क, ऑल दैट इज वॉट इज आर कमिटमेंट टू द एनवायरमेंट। वी आर ऑल्सो ग्रेटली लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन 3 वर्टिकल्स फॉर द हेल्प ऑफ द वोटर, फॉर द हेल्प ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज मशीनरी एंड ऑल्सो फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। कोई भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहाँ है, उसका एपिक डाउनलोड करना है। इफ ही हैज ए मोबाइल नंबर सीडेड, ही कैन डाउनलोड हिज और हर मोबाइल। कोई भी बीएलओ के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन एट। यू कैन नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ए कैंडिडेट यू हैव इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर कंटेस्टिंग। सो देर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट। तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। देन इन ऑर्डर टू क्लीन अप द एंटायर सिस्टम वी वॉन्ट टू यूज द टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स बी प्लीज विजिलेंट। सो सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्री भी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस
वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर सेल्स. आप कहां पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे. फ्रेंड्स, इस सारी चीज को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं. मैं आज आपके सामने उन चैलेंजेस की भी चर्चा करना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे. तो मेनली चार चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's, मसल, मनी, मिसइंफॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस. असेंशियली चार किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं चार चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसल पार, हाउ टू कंट्रोल मनी पार, हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द वायलेशंस विच आर डन और एलिस्ट टू बी डन अंडर MCC. सो कमिंग टू द मसल, मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ CAPF वुड बी डिप्लॉयड 24/7. एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं, वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिंड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए. चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन. और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे. हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे, TV, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल. सो 1 सीनियर ऑफिसर वुड बी अवेलेबल इन द कंट्रोल रूम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू लुक एट दीज 5 feet. जहां से भी, और सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SSPs अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें. जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, कर रही है. साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है. देर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेटअप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटर स्टेट बॉर्डर, एंड ऑन द नोट्स फ्रॉम वेयर सम काइंड्स ऑफ इरेगुलर इलीगल गुड्स कैन मूव अक्रॉस द स्टेट्स. इन सम इंटरनेशनल बॉर्डर्स देर इज ऑल्सो ए ड्रोन बेस्ड चेकिंग विच विल हैपन. वी आर फुल्ली कमिटेड दैट हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए. हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले. और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नॉट बिलो. ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें. किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे. बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे. डबल बोटिंग इम्परसोनेशन की भी शिकायत आती है, बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्परसोनेशन के केसेस आए तो RP एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें. साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं. चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है. राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए. ओनली पीस इज एवर लास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग. वी विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल कैंडिडेट्स, दैट दे मस्ट बी वेरी 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 कॉशियस ऑफ दिस पॉइंट. विल बी रूथलेस इफ एनीवेयर
the violence happens. Similarly, coming to the money, आप जानते हैं मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 elections हुए स्टेट में राज्यों में और उसी की वजह से ये conviction है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं. We are talking to you from the strength of our outcomes. 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में. एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700 परसेंट की वृद्धि हुई. टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर. ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है. हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं, वी आर अवेयर फुल्ली दैट देर आर डिफरेंशियल वल्नरेबिलिटीज इन ईच स्टेट. सम स्टेट्स हैव मोर वायलेंस, सम स्टेट्स हैव मोर मनी, सम स्टेट्स आर मोर काइंड ऑफ ए ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स. सो विच एवर problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money, hum nahi hone denge. Iske liye bhi humne enforcement agencies ko, sab states mein enforcement agencies ke saath baithak ki hai. Delhi mein hum sab heads of the agencies ke saath phir se baithak karne wale hain, aaj ke baad turant. Kya kaha hai unko? Unko humne kaha hai, कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन, वॉट एवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें. रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें. सो हुम हैव बी डायरेक्टेड, जीएसटी, एक्साइज, स्टेट पुलिस, ऑल एजेंसीज, इनकम टैक्स, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड्स, बीएसएफ, एसएसबी, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है. जीएसटी वुड बी डूइंग द ईवे बिल बेस्ड एनालिटिक्स टू सी इफ देर इज ए ट्रेंड ऑफ स्पर्ट इन द डिमांड फॉर द एफएमसीजी इन सर्टेन एरियाज. बैंक्स वुड लुक एट इफ देर इज ए डिमांड स्पर्ट इन डिमांड ऑफ द कैश इन द चेस्ट्स. सो National NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. Digital payments से तो पैसा नहीं जा रहा, एक दो state में ऐसा भी देखने में आया था कि आप अपने wallet के through किसी को भी पैसे transfer करते रहिए, दो दो हजार, एक एक हजार रुपये. All that we will be looking at. Banks would be sending almost daily report of the suspicious transactions which they have. All airports in the country would be checked regularly by the dedicated teams of income tax for any kind of movement through the airstrips. और जहां जिन राज्यों में airstrips commercial के अतिरिक्त हैं, जहां helicopters land कर सकते हैं, we have asked and we have got actually the Bureau of Civil Aviation of Security to issue detailed instructions कि जिस किसी क्षेत्र में helicopter या chartered flight उतरेगी, वहां जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द बीसीएस, ऑलमोस्ट इक्वल टू द कमर्शियल एयरपोर्ट्स चेकिंग होगी. रेलवेज, आरपीएफ, जीआरपी, बोथ विल बी साइमल्टेनियसली कॉन्टिन्यूसली लुकिंग एट रोड्स. सो कैश और मनी, जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, पॉलिटिकल फाइनेंस इन एनी केस इज ए थिंग विच इज इन न्यूज दीज डेज. So this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in taking out our outreach programs, जितना हम youth, women, voters को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उस medium को use करते हैं. We are also conscious that on social media,
इन डेमोक्रेसी. देर इज ए फुल फ्रीडम टू क्रिटिसाइज एनीबडी इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग अस. व्हाई नॉट? इफ यू आर डूइंग रॉन्ग क्रिटिसाइज अस, बट यू कैन नॉट, यू शुड नॉट बी अलाउड टू क्रिएट फेक न्यूज विच इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर. ये अफवाहें फैलाते हैं. तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया. ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी. मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में. तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो. उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहे. इसमें क्या करेंगे? अंडर सेक्शन 69 एंड 79(3) ऑफ द आईटी एक्ट, ऑथराइज्ड अथॉरिटी ऑफ ईच स्टेट इज एम्पावर्ड टू आस्क फॉर टेक डाउन ऑफ द सोशल मीडिया पोस्ट्स. इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स हैव बीन अपॉइंटेड और आर बीइंग अपॉइंटेड. इन ईच डिस्ट्रिक्ट वी हैव डन थोरो ट्रेनिंग्स as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means, ये myth फैलाया जा रहा है, ये उसकी reality है. हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको educate करेंगे कि ये उसकी reality है. और social media के बारे में आप सबसे भी एक appeal है कि थोड़ा देख लें. मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है. मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं. झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के. तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं. नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम. चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्पटिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स. अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की है, आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा. एडवाइजरी इशू किए हैं जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायोलेशंस होते रहे हैं, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24. सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आवर ग्राउंड्स एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट. वी आर पुटिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नोटिस. मीन्स we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties ke jitne bhi bade netagan star campaigners hain jo campaigning karenge, unke vyaktigat notice mein hamari guidelines le aaiye. Ye zimmedari humne political parties ko di hai. So now what is happening? We have put them on notice and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made. Silently, people were asking, you issued so many notices last time, did nothing, you left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond, and here we have said we will also look at the past, we will also look at the history, we might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be jo MCC violations kis prakar ki ho sakti hain. I mean, statements which should inspire rather than divide. Issue based campaign ho, hate speeches, religious speeches, private life ka criticism,
is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. इसमें हमने एडिटर्स को भी एडवाइजरी इशू की है. वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर. अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि एडवर्टाइजमेंट है. लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट. वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज. नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन टू गो बियॉन्ड एडवाइजरीज, टेक कंक्रीट एक्शन फॉर विच इन द एडवाइजरीज देर आर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट्स विच आर ऑल्सो inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is ki campaigning ke dauran please don't try to cross the red line. Ye वैसे भी इसलिए जरूरी है that in this digital world जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. So please avoid creating digital memory of bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है. रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए. तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो. फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बहुत सारी स्ट्रीम लाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को हमने कदम उठाए हैं. ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस. क्या किया है? अराउंड 537 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस. वो क्या करती थी?